Hello, my dear students. This is chapter number 16, a busy month for class 4 EBS. We are doing the revision work. आपको पता है अभी हम इसके revision कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये बाल मंदिर भावनगर में एक बच्चा है जो 3 o'clock afternoon में इसको लिख रहा है. ये sunbirds और doves के बारे में बात कर. You need to identify this picture कि ये फोटो किसकी है. This is the picture of dove. और ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाते हैं, क्या खाते हैं. दिस इज इंडियन रॉबिन और ये स्टोन्स के बीच में रोड के साइड में अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं. और ऊपर से इसका घोंसला काफ़ी सॉफ्ट दिखाई देता है क्योंकि इसमें सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, फुल हेयर, कॉटन वूल ये सब होता है. उसके बाद है आपका क्रो. क्रो का जो नेस्ट होता है वो वायर से, लकड़ी से, किसी भी चीज़ से ये बना लेता है. सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कोयल. आपको पता है कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, ये क्रो के घोंसले में जाकर अंडा देकर आती है. दिस इज़ बारबेट और ये बारबेट जो है ये हैंगी, ये अपना जो घोंसला है वो किसी होल में या ट्री ट्रंक में बनाता है, बारबेट और कॉपर स्मिथ दोनों. टेलर बर्ड का जो घोंसला होता है वो लटका हुआ होता है. एंड मेहंदी में घोंसला बनाते हैं अपना डव जो है वो कैक्टस में या मेहंदी में अपना घोंसला बनाते हैं. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो यू कैन सी दिस इज अ टेलर बर्ड. ये स्टिच करके, पत्तों को स्टिच करके अपना घोंसला बना रहे हैं. ये कॉपर्स में तो, और इसकी बारबेट की आवाज़ टुक 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 करके आपको सुनाई देती है गर्मियों में. ये होल बनाते हैं, अभी आपको बताया था मैंने. ये सन बर्ड है, ये अपना घोंसला हैंग करके बनाती है किसी भी बुश के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर. सो दिस इज़ वीवर बर्ड. ये अपना घोंसला बहुत ही सुंदर बुनाई करके बनाती है, बहुत सुंदर इसका घोंसला दूर से दिखाई देता है, वीविंग करती है ये. सो ऑल द बर्ड्स आर वेरी बिजी इन मेकिंग देयर नेस्ट. क्योंकि उनको एग्स को रखना है तो एग्स के लिए अपना टाइम से वो लोग घोंसला बना लेते हैं. तो इस तरह से नेस्ट आपके एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए. यहाँ बर्ड्स की डिफरेंट फीड्स हैं, इनके यूजेस के हिसाब से इनकी फीड्स होती हैं. तो आपको एग्जाम में आता है कि ये जो फीड है ये किस काम आती है. दिस काइंड ऑफ फीड इज यूज बाय द बर्ड्स टू स्विम इन वाटर. दिस टाइप ऑफ फीड इज यूज टू होल्ड द ब्रांचेस. दिस टाइप ऑफ फीड इज यूज टू कैच द प्रे, शिकार करने के लिए. टू वॉक ऑन द ग्राउंड दिस काइंड ऑफ फीट इज देयर एंड टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज दिस काइंड ऑफ फीट इज देयर. तो ये आप अच्छे से याद कर लेंगे. दिस कैन बी आर्ट्स अबाउट द बर्ड बीक्स, वट काइंड ऑफ बीक दिस बर्ड इज हैविंग. दिस काइंड ऑफ बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट. दिस काइंड ऑफ बीक इज टू मेक द होल्स इन द ट्रीज. टू सक नेक्टर दिस काइंड ऑफ बीक इज यूज. टू कट एंड ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, ये क्रो का बीक है. टू बीक टू ब्रेक एंड क्रश द सीड्स, दिस पैरट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ बीक. टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, दिस काइंड ऑफ बी फिशिंग के लिए. किंग फिशर की भी बीक ऐसी होती है. काओ के छोटे छोटे दांत होते हैं, स्निपिंग इन द टीथ ऑफ द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर चूइंग द ग्रास. कैट्स के जो टीथ होते हैं बहुत शार्प होते हैं बिकॉज शी हैज़ टू डू कटिंग एंड टेयरिंग. स्नैक्स हैव शार्प कर्व टीथ, लेकिन वो च्यू नहीं करते, वो स्वेलो करते हैं. जो टीथ होते हैं वो पॉइजन के लिए काम आते हैं. स्क्विरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ. स्क्विरल एक ऐसा जानवर है जिसके दांत पूरी लाइफ, तब जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो उगते रहते हैं. एंड दे हैव टू कीप गनॉइंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग. वो खुरचती रहती है अपने दांतों को किसी चीज़ पर, उसे इचिंग होती है, वो खुरचती रहती है. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके टीथ हमेशा ग्रो करते रहते हैं. सो दैट इज स्क्विरल. सो आई होप द रिविजन इज डन फॉर दिस चैप्टर. तो ये जो भी आपको पॉइंट्स बताए हैं दिस इज कीपिंग योर एग्जाम इन व्यू. यू विल राइट डाउन दीज पॉइंट्स एंड लर्न इट.